अपना सखी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी राजस्थान से है। आज मैं आपको राजस्थानी मसाला बाटी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको दाल बनाने की भी जरूरत नहीं है और चटनी के साथ या ऐसे ही स्नैक के रूप में इसे एंजॉय कर सकते हैं। फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, तो आइए देखते हैं राजस्थानी मसाला। फ्रेंड्स, इस राजस्थानी मसाला बाटी को बनाने के लिए ये लिया है मैंने गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी पराठे वगैरह डेली में बनाते हैं, वही मैंने आटा लिया है। और इस आटे को कर देते हैं परात में ऐड। और ये फ्रेंड्स मैंने 200 ग्राम के करीब आटा लिया है और इसमें बीच में एक होल बना लेते हैं। सबसे पहले करेंगे इसमें नमक ऐड। आप डाला है नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पिंच लिया है मैंने खाने वाला सोडा, इसको भी ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मोयन, तो ये मैंने 200 ग्राम आटा लिया है, तो आप इसमें 50 ग्राम घी डाल दीजिए। घी को लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से लोगों को पसंद होती है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती है, तो इसलिए अजवाइन का, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने नसीराबाद का कचौड़ा, राजस्थान का नसीराबाद में जो कचौड़ा बनता है, उसकी रेसिपी अपने चैनल पर डाली है, तो उसका लिंक दे दूँगी, आप वो रेसिपी देखिए। बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है और बाहर तक एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत ही शानदार होता है इसका टेस्ट। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं इसमें हमारा मुट्ठी वाला मोमन है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर इससे मिलती जुलती अप्पे कचौड़ी भी डाली हुई है, लेकिन उसमें गेहूँ के आटे से नहीं बनती हैं, वो मैदा से तैयार होती हैं, तो उसका भी लिंक दे दूंगी मैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत कम घी में बनकर तैयार हो जाती है। आप कहां कहां से हमारी रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप राजस्थान से देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताएं कि आप हमारी रेसिपी कहां कहां से देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। इस तरह का ये हमारा सॉफ्ट आटा होना चाहिए। आटा हमारा मर चुका है, इसको 10 मिनट के लिए करना है रेस्ट और फिर आगे इसकी स्टफिंग की तैयारी करनी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 6 आलू मीडियम साइज़ के ले लिए हैं, इनको मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है। और अब इस बाटी के लिए हमें स्टफिंग तैयार करनी होगी, तो यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ मसाले, लिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर लिया है, थोड़ा सा लाल मिर्ची लिए, आधा चम्मच काली मिर्ची लिए, और ये मैंने हरी मिर्ची लिए, और इसमें ऐड करेंगे नमक और इसकी चटपटी सी स्टफिंग बनाकर तैयार की करेंगे। अगर इसमें आप मटर ऐड करना चाहते हैं तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, मटर का टेस्ट भी इस बाटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब फ्रेंड्स, इस आलू में नमक ऐड कर लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, डाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, डालेंगे थोड़ी सी हींग और जो हमने मसाले लिए थे सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इनको एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आलू ऐड कर देंगे और आलूओं को हमें थोड़ा सा फोड़ते हुए स्टफिंग को भूनना है। इसको इस तरह से आलूओं को दबाते जाएंगे, दबाते हुए इसको हमें इसकी स्टफिंग को तैयार करना है। और फ्रेंड्स, इस स्टेज पर अगर आपको नमक मिर्च मसाला कुछ भी कम लगता है तो आप स्टफिंग को टेस्ट करके देख लीजिए और फिर उसके बाद इसमें अपने जरूरत के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। इस तरह से इसको भून कर तैयार, हमारी चटपटी मसाला बाटी की मसाला तैयार हो चुका है। और इसको कर लें पहले अच्छी तरह से ठंडा, और ठंडा होने के बाद अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार करेंगे। इस साइज की, नींबू के साइज की छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी बॉल किसी भी चीज की बनाकर तैयार कर लेते हैं तो फिर हमें स्टफिंग करने में बड़ी आसानी रहती है। बस फ्रेंड्स, आटे की आलू की बॉल्स हमारी सभी बनकर तैयार हो गई हैं और यह अच्छी तरह से ठंडी, हमारा रेस्ट हो चुका है। अब इसको एक बार और मल लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें इस बाटी में अगर आप सूजी डालना चाहते हैं तो सूजी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को सूजी का टेस्ट पसंद नहीं होता है तो आप सूजी अवॉइड भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो हमने जो आलू की जो स्टफिंग बनाई थी उससे हमें थोड़े से बड़े साइज की बॉल लेनी है। सभी बॉलों को हम कर लेंगे तैयार। फ्रेंड्स, इतने आटे से हमारी 8 मसाला बाटी बनकर तैयार होंगी। और अब इसको लोई को लेना है हाथ में और इस तरह से इसका हमें बीच का पोर्शन तो हमें इसका मोटा रखना है और इधर उधर से इसे पतला दबाते हुए इस तरह से इसकी कटोरी बनानी है। किनारियों को पतला करेंगे, बीच के हिस्से को नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, किनारे पर लगा लेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी जिससे कि हमारी बाटी खुले ना।
और एक बॉल को इसमें रखकर अच्छी तरह से इसे अंदर दबाते हुए इस तरह से प्रेस करते हुए इस तरह हमें बाटी को सील करना है। बचे हुए पोर्शन को फ्रेंड्स इसमें से निकाल देंगे और अच्छी तरह से हाथ से इसे गोल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बाटी सारी बनकर तैयार हो गई है। अब आइए इनको फ्राई कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम बाटी डाल देते हैं और इसको हमें मीडियम गैस पर ही सेक कर तैयार करना है, नहीं तो आपका अंदर का जो आटा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इसमें जितनी आ जाए आप उतनी ही डालें एक बार में। तरफ से इसको कलर थोड़ा सा पकड़ने देते हैं, उसके बाद पलटेंगे इसको। अभी हाथ के हाथ नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा कलर आने देने पर इसको पलटते हैं। फ्रेंड्स, ये बाटी हमारी धीमी धीमी आंच पर सिक रही है और आप इसे अप्पे स्टैंड में भी बना सकते हैं। अप्पे स्टैंड को हल्का सा घी से ग्रीस कर लें और उसमें बाटी लगा दें, 15 से 20 मिनट में बिल्कुल इसे घुमाते घुमाते सेक लें तो आपकी उसमें भी बन जाएगी। और इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे बेक कर सकते हैं, तो ये उसमें भी आपकी तैयार हो जाएंगी। और इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। आज मैं आपको एक ही तरीका बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसको हमें थोड़ा थोड़ा पलटते हुए सेकना है चारों तरफ से, जिससे कि चारों तरफ से अच्छा हमारा गोल्डन कलर आ जाए। इसको पलटते रहना है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी हमारी अच्छी सिक्कर तैयार हो रही है। धीमी आंच पर सेकेंगे तभी इसका टेक्सचर अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, बाटी हमारी सिक चुकी है अच्छी तरह से लाल होके, और इसको अब निकाल लेते हैं, झारे में ले लेते हैं और इसका ऑयल अच्छी तरह से इसको निकाल, इसको जब तक ऑयल निकल जाएगा इसका, ऐसे फ्रेंड्स निचोड़ते हुए हमें निकालना है। बाटी सिककर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं इस पे कितने बढ़िया क्रैक्स आए हैं। अगर क्रैक्स बाटी पर आते हैं तो इसका मतलब यह है कि बाटी हमारी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। इसे आप स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं और अगर दाल से एंजॉय करना चाहते हैं तो दाल से भी खा सकते हैं। और अब आइए प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारी लाजवाब राजस्थानी बाटी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बाटी में आपको तोड़कर दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए अंदर से कितनी मसालेदार बनकर तैयार हुई है, अंदर तक सिकी हुई बाटी, बहुत ही अच्छी बाटी हमारी तैयार हुई है। अगर आपके मुंह में पानी आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।